करना पड़ता था। चलो कोई नहीं, कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री को सिखाने का प्रयास किया था। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आपने दिन भर वीडियो देखा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। उन 14 फॉर्मूलों में मैंने 2 फॉर्मूले आपको लास्ट में दिए थे, शायद आपने उनका सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया होगा। लेकिन आज मैं आपको देखिए एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे ले जा रहा हूँ। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बेस्ड हैं कल के फॉर्मूले पर। यदि आपको कल के फॉर्मूले समझ में नहीं आए, मैंने अभी व्हाट्सएप चेक किया था, आपसे किसी ने वो क्वेरी नहीं है, इसका मतलब आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। और समझ में आ गए तो आज आगे बढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बुक में अगर आप देखेंगे, और बुक नहीं भी है तो चलेगा, कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, आप ध्यान से समझ लें। इस एक्सरसाइज को करने का सबसे बड़ा फंडा ये है कि आपको इसमें एक राइट ट्रायंगल सबसे पहले मेंशन करना है। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद ही जजमेंट ले पाएंगे कि कैसे हम सवाल को आगे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मैंने राइट ट्रायंगल देखिए एबीसी बनाया, बी पर 90 डिग्री आपको गिवन है, तो बी को मैंने राइट ट्रायंगल बना दिया, और ए और सी मेरे यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ मेरे को लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7, लेकिन नीचे लिखा हुआ है साइन ए, फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। मीन्स कल मैंने आपको एक चीज विशेष रूप से सिखाई थी कि आपको एंगल पे ध्यान देना है कि आपको कौन सा एंगल इंडिकेट किया हुआ है। आपको एंगल इंडिकेट किया हुआ है ए, एंगल इंडिकेशन का मतलब ये है कि आपको ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना होगा और ए के पास वाली साइड को बेस। मीन्स ए इंडिकेशन है तो परपेंडिकुलर हो गया 7 और बेस हो गया 24, और इसी का अपोजिट यदि एंगल सी इंडिकेट होता तो 24 होता परपेंडिकुलर और 7 होता बेस। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जिस एंगल को अपन इंडिकेट करते हैं उसके सामने वाली साइड को ऑलवेज हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ मेरे पास 7 परपेंडिकुलर, 24 बेस, मैंने फिर एसी फाइंड किया। ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बाईपीसीटी एसी आया 25, और जब मेरे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस हैं तो भाई पंडित जी वाला फॉर्मूला जो हमने कल अप्लाई किया था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले या पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम निकालेंगे साइन ए। साइन आप फॉर्मूले की तरफ से देखेंगे तो पी वाई एच मीन 7/25, और यहाँ आपने अगर परपेंडिकुलर गलत मान लिया तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए पहले अपन कंफर्म कर लेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। cos a byh 24/25, that's clear, very easy। इसी का सेकंड पार्ट है sin c and cos c, यहाँ एंगल इंडिकेशन अलग हो चुका है, एंगल इंडिकेशन sin c होने की वजह से यानी एंगल c इंडिकेट होने की वजह से 24 परपेंडिकुलर होगा और बेस 7 होगा, तो आंसर भी अपना चेंज हो जाएगा। जो sin a का आंसर है वो cos c से मैच करेगा, जो cos a का आंसर है वो sin c से मैच करेगा, और इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, आपको जो पहले राइट ट्रायंगल बनाना है आपको नहीं दे रखा है तो आप एंगल को अपने हिसाब से मेंटेन कर लें, क्यों मैंने राइट ट्रायंगल बनाया है, क्यों राइट एंगल है, 13 आपको हाइपोटेनियस है, 12 आपका परपेंडिकुलर है, पी मेरा इंडिकेशन में है तो ये आपका बेस हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, और सामने वाला आपका परपेंडिकुलर जो आपको नहीं दे रखा है, ये परपेंडिकुलर आपको बाय पीजीटी फाइंड करना है परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए मींस क्यूआर को निकालने के लिए क्यूआर का स्क्वायर आप जब निकालेंगे तो पीआर के स्क्वायर में से माइनस करेंगे पी को क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस करते हैं उसको निकाल लेंगे, और क्यूआर फाइंड होने के बाद जो आपसे सवाल चाहता है वो आप उसको सॉल्व करके दे सकते हैं। सवाल में लिखा हुआ है टेन पी माइनस कॉट आर, पहले टेन पी की वैल्यू निकालेंगे फिर कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को माइनस करके एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, सेम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल 3/4 एक नया तरीका, साइन ए गिवन है इसका मतलब ए इंडिकेट होगा, 3/4 गिवन है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम जानते हैं साइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, में समय पी मिला हुआ है और एच मिला हुआ है और बेस हमारे पास नहीं है, बेस निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस लगाते हुए 4 का स्क्वायर, 4 हमारा हाइपोटेनियस है, 16 - 9 = 7, और आपका आंसर आएगा ये भी √7। इस मींस हमारा बेस हो गया √7, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, हाइपोटेनियस है हमारे पास 4, और फिर इसको हम इसी
क्रम में आप इस पल पढ़ सकते हैं। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, नया पैटर्न, नए तरह का सवाल। 15 cot a is equal to 8 हमें दिया हुआ है, ये नया तरीका है देने का क्वेश्चन का। तो cot a निकालेंगे तो 8 by 15 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला cot a की वैल्यू हम जानते हैं b by b, यानी हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, a हमें इंडिकेट किया हुआ है। विशेष बात यही है कि आपको कौन सा एंगल इंडिकेट किया हुआ है। a एंगल इंडिकेट किया तो 15 बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, 8 बन जाएगा मेरा बेस। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज आपके सामने 17, 17 आने के बाद आप फाइंड साइन ए का फार्मूला लगाएंगे, साइन ए का आंसर आ जाएगा। sec का लगाएंगे, sec ए का आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, मींस h/b, क्योंकि हमारा जो sec का फार्मूला है वो हम देखेंगे फार्मूले के द्वारा, h/b होता है। इसी में भी आप परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे PGT से, और परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद हम देखते हैं कि 13 हमारा हाइपोटेन्यूज बेस 12, परपेंडिकुलर आपका 5 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद सारी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, एंड सारे आंसर आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको आज एक्सरसाइज कंप्लीट सी है। लगभग 5th क्वेश्चन मैंने आपको दिए 1 टू 5 एज ए होमवर्क, आप करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और मैं समझता हूं आपको समझ में आने लगा है। फिर इसी क्रम में ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, फिर आप इसको इसी के बेस पर अपना होमवर्क पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे होम।